हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेश पाटिल, मैथ्स क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले वीडियो लेक्चर में हम रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल की पहली केस के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो मैं तुमको बता देता हूँ कि पहली केस कौन सी थी। ए वाली हमारी रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें केस फर्स्ट थी व्हेन जब हमारी राइट साइड में x की जगह पे अगर पर्टिकुलर ई रेस टू ए एक्स टाइप का हो। ठीक है, इस x की जगह पे ई रेस टू ए एक्स टाइप हो तो उस टाइम के लिए हम पर्टिकुलर इंटीग्रल वन अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए एक्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस की थी। ठीक है, तो अभी हम और एग्जांपल ले रहे हैं, अभी यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या बोल रहा है यहाँ पर ध्यान से देखो। सॉल्व डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स। ठीक है, अभी एक एग्जांपल दिया हमें, सॉल्यूशन इसका सॉल्यूशन निकाल दे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है इसका ध्यान से देखो। गिवन जो दिया है वो लिख लो, गिवन जो दिया है वो लिख लो। क्या दिया है, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स। वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे यहाँ से इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो पहले मैं तो इसका पर्टिकुलर फॉर्म लिख लेता हूँ, इसको फॉर्म इस टाइप में भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको इससे कंपेयर करो, एफ ऑफ डी क्या होगा, एफ ऑफ डी ये पूरी टर्म हो गई, ये वाई वैसा कि वैसा, और एक्स हो गया पूरा ये वाला टोटल टर्म। ठीक है, इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, दैट इज कर दे। ठीक है, नाउ इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन, हम क्या निकालेंगे इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन। फर्दर यही प्रोसेस रहती है हमारी हर एक एग्जांपल के लिए। सो देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या करते हैं हम ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए, जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या पुट कर देते, एम पुट कर देते और इक्वल में क्या ले लेते, जीरो। तो क्या होगा बोलो फाइनल, एम स्क्वेयर डी की जगह क्या होगा, एम होगा ना, डी एम स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अभी इसके फैक्टर पता है हमें, एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, एम माइनस ए, और इधर क्या होता है, एम प्लस ए इजिकल टू क्या होगा, जीरो। ठीक है, ये माइनस का ए उधर जाके क्या क्या होगा, प्लस का, तो क्या होगा, एम इजिकल टू क्या मिलेगा, एक बार प्लस ए, और ये प्लस का ए उधर जाके क्या क्या होगा, माइनस का, तो एम इजिकल टू क्या मिलेगा, माइनस का ए। ठीक है, इसको एम वन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एम टू। हमारे पास दो रूट निकले, कितने रूट निकले, दो रूट। देखो ध्यान से, दोनों रूट रियल रूट है, ए और एक माइनस ए है। ठीक है, रियल नंबर है दोनों, एंड डिस्टिंग है, क्या है, रियल एंड डिस्टिंग। तो दोनों रियल एंड डिस्टिंग रूट मिले, क्या मिले, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, सो देयरफॉर अभी हम क्या निकालेंगे इसका, सीएफ। सीएफ तो पता है हमें, जब रियल एंड डिस्टिंक रूट होते हैं उसका सीएफ कैसे होता है हमारा, सी वन। कितने कॉन्स्टेंट लगेंगे यहाँ पे, हाईएस्ट पावर में कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी, टू है, तो दो कॉन्स्टेंट लगने वाले हमें। ठीक है, सी वन ई रेस टू एम वन एक्स, एम वन कितना है, ए, तो मतलब ए एक्स, प्लस सी टू ई रेस टू एम टू एक्स, एम टू कितना है, माइनस ए, माइनस ए एक्स। ठीक है, हमारा क्या हो गया, सी एफ, हमारा क्या हो गया, सी एफ। नाउ अभी हम क्या निकालेंगे, पी आई। नाउ पी आई, पी आई के लिए क्या होता है हमारा, पी आई इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ये होता है हमारा पी आई। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, वन अपॉन एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा एफ ऑफ डी से कंपेयर करो, क्या दिया है, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू एक्स। एक्स ध्यान से देखो, एक्स ये पूरी टर्म दी हमें। ठीक है, इससे इसके साथ कंपेयर करो, क्या है, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स, तो क्या है वो, ई रेस टू ए एक्स माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे इसके साथ इसको सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आसानी हो जाएगा हमें सॉल्व करने में। तो क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू ई रेस टू ए एक्स, इसका इसके साथ सेपरेट मल्टीप्लीकेशन। अभी क्या है, माइनस है, अंदर माइनस है, अंदर जाओ तो अंदर जाएगा, तो क्या होगा, डी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ई रेस टू माइनस ए एक्स। ठीक है, अभी यहाँ तक हमारी प्रोसेस हो चुकी है। अब भी हमें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है हमारी,
यहाँ तक पहुँचने के बाद हमें क्या करना होता है, जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं हम a वाला टर्म। तो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखो a पुट कर देने का, जहाँ पे d है वहाँ पे, तो जहाँ पे d है वहाँ पे a पुट करेंगे, तो ये यहाँ पे d पुट करें, d की जगह पे a पुट करें तो क्या होगा, a का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे माइनस ए है, अभी माइनस ए अगर पुट करेंगे डी की जगह पे तो क्या होगा, माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ए स्क्वायर, पता है ना हमें, माइनस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर होगा, डी की जगह पे पुट करेंगे ए, तो माइनस ए पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो क्या होगा, प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगेन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, ऐसी केस रहती है, देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ पे अगर हमारा जो नीचे का एफ ऑफ ए, जब ए पुट करने के बाद यहाँ पे ए अगर जीरो हो गया, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एसी वाला जैसा कि वैसा पर्टिकुलर इंटीग्रल जीरो हो रहा है, इन केस अगर जीरो हो रहा है, तो उस टाइम पे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई, मैंने बताया था उनको एक से मल्टीप्लाई कर देने का, इसको ऊपर, एंड नीचे का वो जो है वो टर्म का क्या करने का, एफ ऑफ डी का क्या करने का, डेरिवेटिव ले लेने का, और वहाँ पर क्या पुट कर देने का, ए पुट कर देने का, विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किसको देने का, लेकिन डी को, ठीक है। अभी हम ध्यान से देखो यहाँ पे भी किसको रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे, किसको रिस्पेक्ट देंगे, यहाँ पे किसको देंगे, डी को, ठीक है, और उसके बाद ए को पुट कर देंगे, तो उस टाइम पे जीरो ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे सीधा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, हमारा यह पर्टिकुलर इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। तो डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, ये तो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था तुमको, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो हो रहा है, तो हमारी प्रोसेस क्या होती है, हम इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन हमारा डेरिवेटिव लेने से पहले हम क्या करते हैं, ऊपर एक एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नीचे एक बार डेरिवेटिव लो, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आता है, टू डी, और ए क्या है, माइनस ए स्क्वायर, ए का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कॉन्स्टेंट हमें, ठीक है, किसको रिस्पेक्ट देनी है, हमें सिर्फ डी को, ठीक है। माइनस, अभी आप ध्यान से देखो, ई रेस टू एक्स वैसा कि वैसा रहता है, ठीक है। माइनस माइनस, अभी अगेन यहाँ पे भी डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, विथ रिस्पेक्ट टू डी में, तो क्या होगा, डी स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन क्या हो जाएगा, टू डी, और इसका क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हमें, ठीक है। तो क्या बचेगा, सिर्फ ई रेस टू माइनस ए एक्स, ठीक है। अभी हमारा ए प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगेन डी की जगह क्या पुट करेंगे हम, क्या पुट करेंगे, ए वाला ए, तो जीरो रहेगा, टू इंटू डी, डी की जगह पे ए पुट करो तो टू इंटू ए हो जाएगा, टू ए जीरो है क्या, नहीं, तो बस फाइनली वही आंसर रहेगा हमारा, x इंटू वन अपॉन, यहाँ पे टू की d की जगह क्या पुट कर देंगे, अभी a पुट कर दो तो क्या होगा, क्या होगा, टू इंटू ए, यहाँ पे क्या बच जाएगा, e रेस टू ए एक्स। माइनस, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, अगेन यहाँ पे इस माइनस a को पुट करने का है, कहाँ पे, d की जगह पे, तो ये माइनस ए डी की जगह पे जाएगा, तो माइनस का टू डी हो जाएगा, और माइनस का टू डी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a, क्योंकि ये माइनस का था ना ऑलरेडी, पहले का था माइनस का था, यहाँ पे जाएगा तो माइनस का 2d हो जाएगा, तो माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस 2a, यहाँ पे क्या बच जाएगा, अगेन e रेस टू माइनस एक्स वैसा की वैसा, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, x अपॉन 2a, यहाँ पे देखो, इधर भी ध्यान से देखो, इधर भी हमने x से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इधर कर दिया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था क्या, नहीं, यहाँ पे हमें एक एक से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे एक एक से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स अपॉन टू ए, एक्स अपॉन टू ए दोनों में कॉमन दिख रहा है, इसको बाहर निकाल लो, तो क्या बचेगा अंदर, एक्स अपॉन टू ए कॉमन दिख रहा था दोनों में, तो अंदर क्या बचा, सिर्फ ब्रैकेट में ई रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस का ए एक्स, इतना ही बचा, बराबर। अभी ध्यान से देखो, हमारे पास फार्मूले होते थे, कैसे फार्मूले होते थे वो, कि e रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स, ठीक है, अपॉन में अगर टू रहा तो इसका फार्मूला होता था हमारे पास, क्या होता था इसका फार्मूला, क्या होता था, कॉश, क्या होता था हमारे इसके पास फार्मूला, कॉश हाइपरबोलिक, यहाँ का जो टर्म रहता था उसको लिखते थे ए एक्स, ठीक है, कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स। तो यहाँ पे हमें टू की जरूरत पड़ेगी ना, तो इस टू को अंदर भेज दो, क्योंकि अपॉन में डिवाइडेड में है ना ये टू, तो अंदर चले जाएगा तो ये अपॉन में चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसका फार्मूला बनाना है, ठीक है।
इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से लिखना है हमें उसको, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, फिर अभी क्या करेंगे, इस टू को अंदर भेज देंगे। तो क्या होगा देखो, तो क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल चल रहा है ना हमारा, क्या चल रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू, अभी ध्यान से देखो, हमारा ए टू जो है, ए वाला टू है, ए अंदर चले जाएगा डिवाइडेड में। तो क्या होगा, एक्स अपॉन ए वैसा की वैसा, एक्स अपॉन ए वैसा की वैसा, ई रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन में क्या कर दिया मैंने, टू कर दिया। और हमारे पास फार्मूला होता है, मैंने तुमको अभी बोला ये फार्मूला, अभी बोला ये फार्मूला, ई रेस टू ए एक्स प्लस ई रेस टू माइनस ए एक्स अपॉन टू अगर रहा तो कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल में सीधा क्या हो जाएगा, सो देयर फोर एक्स अपॉन ए, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, सीधी कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए एक्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल, बराबर। अभी हम क्या निकालेंगे, फाइनल सॉल्यूशन। सो देयर फॉर जनरल सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं उसको हम, जनरल सॉल्यूशन, एक तो कंप्लीट सॉल्यूशन, तो मैं लिख देता हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन इज, क्या होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, सी एफ प्लस पी आर, ठीक है। तो सी एफ, सी एफ कितना दिया है हमारे पास, सी एफ ये देखो, सी एफ C1 e raise to ax plus C2 e raise to minus ax, लिखो C1 e raise to ax plus C2 e raise to minus ax plus pi, pi कितना दिया है अभी निकाला ना हमने, pi, pi कितना है, x upon a into cos hyperbolic ax, तो क्या है x upon a cos hyperbolic ax, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। और एक नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा हूँ, सॉल्व y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 13y इज इक्वल टू 18 e रेस टू माइनस 2x, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये बोल रहा हूँ हमें, तो तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा अभी, ध्यान से देखो कि यहाँ पे डबल डैश में, तो इस टाइप के इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं हम, हमें पता है कैसे लिखेंगे हम, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, डबल डैश है ना, तो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर प्लस फोर वाई डैश है, तो मतलब डी वाई बाय डी एक्स प्लस 13y इज इक्वल टू 18 ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है। इसको सिंबॉलिक के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तुम कैसे लिख सकते हो, अभी पावर में 2 है तो क्या होगा, d का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे पावर में कितना है 1 है, तो 4d प्लस 13, और सब में देखो y y y, सब में y, तो y को बाहर निकाल लिया, कितना बचा 18 e रेस टू माइनस 2x, वी कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या बोल दिया हमने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, दैट इज हमें काम में आता है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा ये एक्स, क्योंकि एफ ऑफ डी क्या हो जाएगा हमारी, ये पूरी टर्म हो जाएगी ये वाई वैसा कि वैसा, और एक्स क्या हो जाएगा ये वाला 18 ई रेस टू माइनस 2x। नाउ हमारी वही प्रोसेस, सो देयरफॉर इट्स क्या निकालेंगे हम, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं जहाँ पे डी है वहाँ पे, एफ ऑफ डी में जहाँ पे डी है वहाँ पे क्या पुट कर देते हैं हम, तो क्या होगा यम स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अभी यहाँ पे हम वो वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे फैक्टर इसके इजीली नहीं गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि इस 4 के हमारी एडजस्टमेंट ऐसी होंगी नहीं कि उसका प्लस और माइनस 4 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 13 आ जाए। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला कैसा होता है हमारा, वो याद है क्या तुमको कैसा रहता था, इस टाइप का अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस टाइप का, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ए एक्स, एक्स की जगह है यम, ठीक है, बी एक्स, एक्स की जगह यम है, ठीक है, और कांस्टेंट सी, सी मतलब कांस्टेंट, सी की जगह पे क्या है 13, इसका ए का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है,
ठीक है, ऐसा कंपेयर करें तो क्या होता था, ऐसा फार्मूला रहता तो क्या होता था हमारा, एक्स के लिए रूट निकालते थे तो माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, ऐसा फार्मूला होता था। तो उससे उसको सॉल्व करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा एक्स के लिए फाइंड कर लेते रूट्स। अभी हमारा यहाँ पे एक्स की जगह क्या है, यम आ गया है, तो यम के लिए फाइंड होगा। तो यम इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है माइनस बी, ठीक है, बी की जगह पर क्या है अभी फोर, तो फोर, ठीक है, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। अभी अंडर रूट, अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, फोर, फोर का स्क्वायर कितना आता है सिक्सटीन ना, फोर का स्क्वायर कितना आता है सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू ए सी, फोर इंटू ए सी, फोर इंटू ए, ए की जगह भी देखो ध्यान से एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एम का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर ए कोएफिशिएंट, तो एम का कोएफिशिएंट कितना है वन, मतलब फोर इंटू वन ए की जगह पे, इंटू सी, सी कितना दिया है, सी कितना दिया है थर्टीन इंटू थर्टीन, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होने के बाद अपॉन में क्या है टू इंटू ए, ए की जगह क्या है हमारे वन है, ठीक है, टू इंटू वन, ये हमारा फाइनल हो गया। तो माइनस फोर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या दिया है सिक्सटीन माइनस फोर, अभी यहाँ पे सिक्सटीन माइनस फोर इंटू वन कितना होता है फोर ही होता है, और थर्टी, थर्टीन के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा फिफ्टी टू, ठीक है, अपॉन कितना होगा टू इंटू वन टू होगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे आगे, अभी हम क्या करेंगे इसका प्लस और माइनस ढूंढेंगे। तो माइनस फोर प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ सिक्सटीन माइनस फिफ्टी टू, सिक्सटीन माइनस फिफ्टी टू कितना होता है माइनस का थर्टी सिक्स अपॉन टू, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे माइनस का फोर प्लस और माइनस, और तुमको बोला है अंडर रूट में अभी जब जब माइनस रहता है तो हम क्या लगाते हैं, क्या रहता है, क्या लगाते हैं आयोटा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट ऑफ माइनस वन कितना होता है आयोटा होता है। तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ क्या है माइनस का थर्टी सिक्स है, ये माइनस का वन ही मल्टीप्लाई है तो क्या होगा माइनस का आयोटा बाहर निकलेगा, और या प्लस का आयोटा बाहर निकलेगा, और थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स का अंडर रूट क्या होता है सिक्स होता है, तो क्या निकलेगा बाहर सिक्स आयोटा, ठीक है। तो माइनस फोर प्लस और माइनस, माइनस फोर प्लस और माइनस सिक्स आयोटा अपॉन टू, ठीक है। अभी ध्यान से देखो माइनस फोर अपॉन टू हो जाएगा प्लस और माइनस सिक्स अपॉन टू आयोटा, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अभी दो से काट दो, चार को कितनी बार काटेंगे दो बार काटेंगे, तो क्या होगा माइनस का टू प्लस और माइनस, दो से छः को काटो कितनी बार काटेंगे तीन बार कट जाएगा कितना आएगा थ्री आयोटा, ठीक है। अभी हमें पता है हमारे ये कितने रूट्स निकले, दो रूट्स प्लस और माइनस, माइनस टू प्लस, अभी हमारा दो रूट निकले होंगे, किससे आएगा इसको कंपेयर करो किसके साथ करोगे, अल्फा प्लस और माइनस, प्लस और माइनस बीटा आयोटा से, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स, कौन से रूट है हमारे कॉम्प्लेक्स रूट्स, तो कॉम्प्लेक्स रूट अगर निकलते हमारे तो इस टाइप के रूट्स को कैसे सॉल्व करते, तो पहला रूट बोलो तुम मुझे यम वन रूट, पहला रूट क्या आएगा माइनस टू प्लस थ्री आयोटा, और दूसरा यम टू रूट बोलो क्या आएगा माइनस टू माइनस थ्री आयोटा, क्योंकि हमारे दो रूट्स निकलेंगे, ठीक है, प्लस और माइनस है ना, तो ये पहला रूट है और ये हमारा क्या है सेकंड रूट है, दोनों कौन से रूट है कॉम्प्लेक्स रूट्स, और कुछ से, और उसको दूसरा नाम क्या बोला था इमेजिनरी रूट्स, दूसरा नाम क्या बोला, तो हमारे अभी यहाँ पे कौन से रूट आए दोनों इमेजिनरी रूट्स, क्योंकि हमारा माइनस टू प्लस और माइनस थ्री आयोटा आया था। तो इसको कंपेयर करो अल्फा प्लस और माइनस बीटा से, अल्फा की वैल्यू कितनी आएंगी माइनस टू, और बीटा की वैल्यू कितनी आएंगी, बीटा की वैल्यू कितनी आएंगी थ्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फाइनली कैसा हो जाएगा, सो देयरफॉर अभी हम क्या निकालेंगे इसका सी एफ, ठीक है, क्या निकालेंगे सी एफ, तो ध्यान से देखो सी एफ कैसे निकलेगा, सो देयरफॉर, सो देयरफॉर सी एफ, सी एफ के लिए क्या बोला था मैंने तुमको, सी एफ के लिए जब कॉम्प्लेक्स रूट रहता है तो क्या होता है ई रेस टू क्या होता है अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स, क्योंकि हमारे कौन से रूट है कॉम्प्लेक्स रूट्स, कौन से कॉम्प्लेक्स रूट्स, इसीलिए, ठीक है।
सो देयर फोर ई रेस टू, ध्यान से देखो अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखो, इसके साथ कंपेयर करो इसको, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है माइनस का 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है। तो क्या आएगा, ई रेस टू माइनस 2x इंटू c1 cos, बीटा की वैल्यू कितनी है 3x प्लस c2 sin 3x, ये हमारा क्या हो गया cf, ठीक है, ये हमारा क्या होगा cf, ठीक है। cf के बाद हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं pi, क्या निकालते हैं pi, नाउ pi, pi कैसे निकालते हैं हम, pi कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन f ऑफ d इंटू x, ठीक है, 1 अपॉन f ऑफ d, ध्यान से देखो f ऑफ d दिया है हमारे पास, f ऑफ d कितना दिया है, f ऑफ d d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13, लिखो यहाँ पे d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 13, ठीक है, इंटू x, ध्यान से देखो x कितना दिया है 18 e रेस टू माइनस 2x, 18 e रेस टू माइनस 2x, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अभी तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अभी ये 18 आ गया तो कैसे करेंगे, इस 18 को कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ही निकालो, क्योंकि ये इसके साथ चिपका हुआ है ना, ठीक है, तो उसको बाहर ही निकाल दो, क्या 18 इधर बाहर साइड में लिख लो, तो क्या बचा अंदर, डी स्क्वेयर प्लस 4d प्लस 13 ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है। अभी तुम्हारी प्रायोरिटी क्या रहती है कि जहाँ जहाँ पे d वहाँ पे क्या पुट करके देखो, माइनस का 2, माइनस 2 पुट करके देखो, अगर 0 हो रहा तो फिर क्या करेंगे, अगेन एक केस लगाएंगे, एक से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 0 नहीं हो रहा तो क्या करेंगे हम, सीधा पर्टिकुलर इंटीग्रल उसी को मान लेंगे। तो यहाँ पे साइड में करके देखो, साइड में करके देखो, d की जगह क्या पुट करना है हमें, माइनस 2, तो माइनस 2 का क्या होगा, स्क्वेयर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 13, माइनस 2 का स्क्वेयर कितना था, प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता ना, और 4 इंटू माइनस 2 कितना था, माइनस का 8 प्लस 13, कितना होगा, कितना होगा, 13 और 4 कितने हो गए, 17, 17 में से आठ गए तो कितने हो गए, 9 बचे, क्या बचा, 9, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे हमारा माइनस 2 पुट करने पे क्या बच रहा है, क्या बच रहा है, 1 अपॉन 9 बच रहा है, ठीक है, ई रेस टू माइनस 2x वैसा की वैसा, ठीक है, 9 बज रहा था ना, यहाँ पे मैंने साइड में सॉल्व करके दिया, तो 9 से 18 को काटो कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो कितना होगा, 2 ई रेस टू माइनस 2x, ये हमारा क्या हो गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। सो देयरफॉर अभी हम क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई, ठीक है, सी एफ, सी एफ कितना दिया है, सी एफ कितना दिया है, ए वाला सी एफ, ई रेस टू माइनस 2x लिखो, सी एफ क्या दिया है, ई रेस टू माइनस 2x सी वन कॉस 3x प्लस सी टू साइन 3x, ठीक है, प्लस पी आई, पी आई कितना दिया है, पी आई, पी आई अभी निकाला हमने, 2 ई रेस टू माइनस 2x, ठीक है, और ये हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार हम कोई भी पर्टिकुलर इंटीग्रल के एग्जांपल्स, ई रेस टू एक्स टाइप के एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से हमें आगे वीडियो लेक्चर्स बनाने के लिए अच्छे प्रेरणा मिलती है और प्रेरित होते हैं हम उसके लिए, ठीक है। तो तुम इसी प्रकार हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर कर दिया करो, धन्यवाद।